हुआ। कोरोना महामारी के बीच कई प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य और काम को न सिर्फ बखूबी अंजाम दे रहे हैं बल्कि अपने कर्तव्य को सबसे आगे रखकर काम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा सेंधवा में देखने को मिला, जहां सेंधवा तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर की 26 अप्रैल को शादी होना तय हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते उन्होंने उनकी शादी स्थगित कर दी। प्रवीण कहते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि परिवार जनों में ही शादी का छोटा सा कार्यक्रम रख लेते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया मेरे लिए मेरा कर्तव्य ज़्यादा जरूरी है। अब परिवार वाले भी सपोर्ट में हैं और कह रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी में तुम्हारा कर्तव्य ज़्यादा जरूरी है। प्रवीण की शादी अलीराजपुर जिले के आंबुआ गाँव में होनी थी और जिसकी लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। प्रवीण कहते हैं कि अभी इस महामारी के बाद ही शादी करेंगे, इस महामारी के समय तो शादी संभव नहीं। वहीं लोगों को भी संदेश देते हुए कहते हैं लॉकडाउन का पालन करें, घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। शादी थी, आपने शादी को रद्द कराया? हाँ, मेरी शादी 26 अप्रैल को फिक्स हुई थी, फिर लेकिन ये कोरोना आपदा के कारण मैंने मेरी शादी स्थगित कर दी है। अभी आपके परिजनों ने शादी का कहा था आपसे, क्या समझाया किसे आपने? मेरे परिजनों ने यही कहा कि शादी कर ली जाते हैं और छोटा सा प्रोग्राम रख के कुछ लोग परिवार के ही कुछ सदस्यों के बीच, लेकिन मेरे लिए मेरा कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या परिवार वाले क्या बोले फिर आखिरी में? परिवार वाले भी सपोर्ट में हैं कि ठीक है, लड़का काम कर रहा है और इस आपदा के स्थिति में उसका कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कहाँ थी शादी आपकी? शादी मेरी अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में आंबा गाँव में। क्या करती है वाइफ? वाइफ अभी तो MSc कर रही है। अब कब शादी करेंगे? क्या शादी अभी तो इस कोरोना आपदा के माहौल में शादी अभी तो करना मुमकिन नहीं है।